रहीम, आज हम एलिजिबिलिटी काउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका फेब मार्च 2020 का पेपर थ्री करने जा रहे हैं। और पेपर थ्री में क्वेश्चन नंबर वन से लेके थ्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। 2021 के पेपर्स भी वहाँ पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं जाके जो मैंने सॉल्व कराए हैं। और आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे कहता है द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जेपीएलसी 31st December 2019 वाज इज फॉलोस। ये नॉन करेंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं और ये थाउजेंड्स के अंदर वैल्यूज हैं, इसको जहन के अंदर रखिएगा। ये $4,680 है और ये बेसिकली 4.6 मिलियन की अमाउंट होगी। इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें तो एब्सोल्यूट अमाउंट आपके पास आ जाएगी। सिंप्लिसिटी के लिए नॉर्मली हम बनाते हैं तो थाउजेंड्स में वैल्यूज रखते हैं। उसके बाद ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपको दी हुई है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर जो है ऑर्डिनरी शेयर 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और $1 का ईच है। $1 का मकसद है फिर 2000 ही ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर्स भी इसके 2000 ही हुए। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई थाउजेंड से कर दूँ तो एक्चुअली 2 मिलियन ये शेयर्स बनते हैं। तो 2 मिलियन जो है वो शेयर्स हैं और 2 मिलियन ही इसकी अमाउंट भी है। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, रिटेंड अर्निंग्स दी हुई है। नॉन करंट लाइबिलिटी इसने आपको 800,000 जो है वो दी हुई है और ये 6% डिबेंचर है। इसका मकसद है इस पर आप 6% के हिसाब से इस नॉन करंट लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मैं अगर इसका 6% निकालूँ तो ये 48,000 बनेगा आपका। तो ये इंटरेस्ट है एक्चुअली, इसको जहन में रखिएगा। ये करंट लाइबिलिटी आपकी आ गई, ये हो गया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। ये तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन $4,680 के ऊपर टाइबैक हो गई, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मिला के जो आया था वो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आपकी बन गई। आगे कहते हैं जेपीएलसी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 वाज $588,000। तो ये आपके पास आ गया। तो $588,000 का मकसद ये हुआ कि ये आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको जहन में रखिएगा। इस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना हो तो आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 588,000 ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से आप माइनस कर दें ये 48,000 जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ऑपरेशन से आपने कमाया है। ऑपरेशन से जो आप कमाते हैं उसमें से इंटरेस्ट या टैक्सेस वगैरह को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आपके पास आता है। तो 588,000 में से 48,000 को आपने माइनस किया, व्हाट यू गेट? $540,000। ये आपकी नेट इनकम है। तो जहन में रखिएगा कि जो भी आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है उसमें से जब आप माइनस करेंगे तो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया। आगे कहता है डिविडेंड ऑफ $0.12 पर शेयर वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि एक इन्होंने अपने साल में $0.12 का पर शेयर, पर शेयर माने हमें, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि 2 मिलियन आपके पास शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर शेयर होल्डर को $0.12 जो डॉलर है वो मिलेगा पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड डिविडेंड ऑफ $0.08 पर शेयर वॉज प्रपोज्ड एट 31st December 2019 को ये ईयर एंड के ऊपर प्रपोज किया है। प्रपोज का मकसद है अभी ये अप्रूव होगा बोर्ड से। तो ये डिविडेंड आपने देखा कि $0.12 पर शेयर और ये डिविडेंड प्रपोज किया है, ये डिविडेंड प्रपोज का मकसद है कि अभी अप्रूव होगा, मैनेजमेंट इसको अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद में डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करेंगे, तो AGM के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग में ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर मिलेगा, यानी नेक्स्ट ईयर में इसकी पेमेंट होगी। लेकिन ये प्रपोज है, पेड नहीं हुआ है अभी, नेक्स्ट ईयर में पे होगा। द मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर वॉज $3.20 ऑन 31st December 2019। मार्केट प्राइस जो इस शेयर की थी, जो $1 ऑर्डिनरी शेयर की बुक वैल्यू कितनी है इसकी? पार वैल्यू, जैसे हम अकाउंटिंग की जबान में कहते हैं पार वैल्यू, जो लिखी हुई थी ओरिजिनल इसकी वैल्यू, पार वैल्यू जो है वो $1 थी, लेकिन मार्केट में क्योंकि ये 3.20 का बिक रहा है तो इसका मकसद है एक्सेलेंट, कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जब भी इसकी वैल्यू जो है बढ़ी हुई आपको नजर आ रही है।
तो आंसर द फॉलोइंग. नंबर ए में कहता है कैलकुलेट टू टू डेसिमल प्लेसेस द फॉलोइंग रेशियोज. ये रेशियो इसने कैलकुलेट करने को कही है. अर्निंग पर शेयर इसने कहा है आपसे, प्राइस अर्निंग रेशियो कहा है, डिविडेंड कवर कहा है और डिविडेंड यील्ड कहा है. अर्निंग पर शेयर आपको ये बताती है कि हर ऑर्डिनरी शेयर्स जो है, शेयर होल्डर जैसे अगर आपने इस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे हुए हैं तो एक्चुअली कितनी अर्निंग हुई है आपको. और उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो ये बताती है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है उसके उसकी आपने पेमेंट कितनी करी. जो आपकी मार्केट प्राइस है उसके अगेंस्ट के अंदर जो अर्निंग पर शेयर है वो मार्केट के अंदर कितनी चल रही है. ये मैं डिटेल से बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि कैम्ब्रिज का जो पेपर है, सिलेबस है, वो आप डाउनलोड कर लें. उसके अंदर जो रेशोज़ दी हुई है, मैंने आपसे कहा था कि इनको टाइम एंड अगेन आप देखते रहें. ये रेशो एग्जाम्स के अंदर भी आती हैं. अगर ये फार्मूले से आपकी वाकफियत है और आप इसको समझते हैं ढंग से, तो ये बड़ा आसान सवाल होता है जो आता है नॉर्मली ये लेवल के अंदर. देखिए अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या है कि नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर्स आपको पता है क्या होते हैं कि जिनके ऊपर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है और नॉर्मली उनको AGM एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर राइट्स नहीं होते वोटिंग के, लेकिन उनका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है. और डिविडेंड अगर बटेगा तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा. तरीके से कंपनी अगर बंद होती है तो सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले इनकी पेमेंट होगी लाइबिलिटी के बाद. तो नंबर ऑफ इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स के कितने शेयर्स आपने इशू कर दिए उससे अगर नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में से प्रिफरेंस शेयर्स डिविडेंड को माइनस कर दें और नंबर ऑफ इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं उनसे कर दें. तो देखिए हमारे पास जो सवाल था इसके अंदर मैंने आपको नेट प्रॉफिट निकाल कर बताया था कि 540,000 डॉलर का नेट प्रॉफिट है आपका. तो 540,000 अगर मैं ये 540,000 डॉलर का नेट प्रॉफिट है और इसको मैं डिवाइड अगर कर देता हूँ ऑर्डिनरी शेयर्स. ऑर्डिनरी शेयर्स भी मैंने आपको बताए थे कि देखें 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, क्योंकि 2,000 या थाउजेंड्स में वैल्यूज नहीं हुई है. तो 2 मिलियन आपके एक्चुअली ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. तो 2 मिलियन से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो एक्चुअली फिर क्या आएगा, लेट सी क्या आता है. 540,000 नेट प्रॉफिट था, इसको डिवाइड कर दिया आपने 2 मिलियन से, व्हाट यू गेट, 0.27. 0.27 का मकसद यह हुआ कि ये जो 0.27 डॉलर है ये एक्चुअली बता रहा है कि हर शेयर होल्डर्स को जो उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको जो मुनाफा मिला है अर्निंग पर शेयर, कि हर शेयर के ऊपर जो वो अर्निंग कमा रहा है वो ये कमा रहा है. इसको मिली या नहीं मिली वो तो डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगी, लेकिन ये कंपनी अर्निंग पर शेयर, क्योंकि देखिए 2 मिलियन शेयर्स हैं टोटल, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 540,000 डॉलर, तो हर शेयर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर कितनी बनती है, 0.27 डॉलर बनती है. ये एक्चुअली अवेलेबल भी है ऑर्डिनरी शेयर्स को पे करने के लिए, लेकिन अगेन कंपनी डिसाइड्स करती है कि इसमें से कुछ रोकना है, रिटेंड अर्निंग में रोकना है और कुछ डिविडेंड देना है, क्योंकि कंपनी के अपने प्रोजेक्ट्स भी होते हैं. तो ये नहीं है कि जितना प्रॉफिट करा वो सारे का सारा शेयर होल्डर्स के अंदर बांट दिया. फ्यूचर के जो तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी चलाने के लिए आपको फंड चाहिए, तो इसलिए ये सारे का सारा नॉर्मली अमाउंट जो है पे नहीं होता. लेकिन कंपनी जब लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के अंदर, PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, तो ये बड़ा एक इंडिकेटर होता है. अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो जितनी अर्निंग पर शेयर अच्छी है इतना ही आप मोटिवेट होंगे कि यार कंपनी अच्छा अर्निंग पर शेयर इसका ज़्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली डिविडेंड भी देगी, कंपनी ग्रो भी करेगी. तो फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं और ऐसी कंपनीज में नॉर्मली जिनकी अर्निंग पर शेयर अच्छी होती है वहाँ पर लोग उस कंपनी की जो ट्रेडिंग होती है शेयर्स की वो हो रही होती है. तो आपने देखा 0.27 डॉलर आ गया. नंबर टू के अंदर क्या पूछता है आपसे, कहता है प्राइस अर्निंग रेशो लेगा. प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला क्या है, यहीं आते हैं दोबारा. प्राइस अर्निंग रेशो कहता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर देखें उसने आपको दी हुई है सवाल के अंदर 3.2 डॉलर आपने देखा था दी हुई थी, और अर्निंग पर शेयर आपने अभी निकाली है. तो मार्केट प्राइस पर शेयर 3.2 है और अर्निंग पर शेयर आपने जो निकाली है 0.27 है डॉलर. तो 3.2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0.27 से ये 11.86 बनता है. 11.86 क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मकसद ये हुआ कि इसकी जो मार्केट प्राइस है जो अर्निंग ये कंपनी कमा रही है उसका 11.86 मल्टीपल के ऊपर इसका शेयर मार्केट के अंदर बिक रहा है. हैव यू गॉट माय पॉइंट, कि प्राइस अर्निंग रेशो आपको बताती है कि जो अर्निंग पर शेयर है उसका कितने मल्टीपल जो है कितना ज्यादा या कितना कम
यहाँ ज्यादा है 11.86 मल्टीपल, क्योंकि देखिए 0.27 को अगर मैं 11.86 से मल्टीप्लाई करूँ देन आई विल गेट $3.2। इसका मकसद है अगर इस कंपनी के शेयर्स में खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो ये कंपनी जो अर्निंग पर शेयर कमाती है उसका 11.86 मल्टीपल जो है मुझे इसका शेयर खरीदने के लिए चाहिए होगा। अब डिपेंड करता है कि ये अगर अब जितना ये आपके पास मल्टीपल ये कम होता है और कंपनी ग्रोथ कर रही है तो इतना ही शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी जब भी अब इसकी प्राइस नीचे की तरफ जाएगी इस कंपनी की और इसकी अर्निंग जो है अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ती है तो इस कंपनी में अट्रैक्शन बहुत होती है, क्योंकि इसका मकसद ये हुआ कि आप मल्टीपल कम पे कर रहे हैं तो जितना ये कम होगा इतना इन्वेस्टर्स के लिए चार्म होता है कि ये शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, जितना ये ऊपर होता है इतना प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगेन ये एब्सोल्यूट जितनी भी रेशियोज हम देख रहे होते हैं इसको एब्सोल्यूट हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक इंडस्ट्री की रेशियो हमारे पास ना हो। बेंचमार्किंग एक लफ्ज होता है, बेंचमार्किंग जरूरी होती है कि भाई इस इंडस्ट्री में जहाँ ये ऑपरेट कर रही है कंपनी चल क्या रहा है, हैव यू गॉट माय पॉइंट, चल क्या रहा है कि वहां पर जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, तो इसे बेंचमार्किंग कहते हैं। बेंचमार्क आप करने के लिए जरूरी है कि आप बेंचमार्क जब भी करेंगे जब इंडस्ट्री की रेशियोज आपके पास होंगी, तो इस इंडस्ट्री में जो और कंपनीज काम कर रही हैं, तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपने समझा कि कितना मल्टीपल हम अर्निंग पर शेयर का, कितना मल्टीपल जो है वो इस शेयर को खरीदने के लिए कितना मल्टीपल हमें देना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर का, दिस इज व्हाट प्राइस अर्निंग रेशियो बताती है। इन्वेस्टर्स के लिए बड़े काम की होती है, जितनी ये रेशियो लोअर साइड के ऊपर होगी इतना इन्वेस्टर्स मोटिवेट होगा अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो। तीसरा कहता है डिविडेंड कवर, डिविडेंड कवर का मकसद हुआ कि भाई कितना डिविडेंड आप अवेलेबल है, कवर कितना है आपका, कितना अवेलेबल है पे करने के लिए, और डिविडेंड कवर का फार्मूला भी यहाँ से देखते हैं। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड, के प्रॉफिट जो अवेलेबल है ऑर्डिनरी डिविडेंड को पे करने के लिए वो कितना है, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट। चलिए हम इसको यूं करते हैं, डिविडेंड कवर का फार्मूला देख लेते हैं। डिविडेंड कवर का फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड, कितना प्रॉफिट अवेलेबल है टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड को पे करने के लिए। तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर होती है एक्चुअली यही अर्निंग पर शेयर जो है अवेलेबल है पे करने के लिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो लॉजिक क्या है कि अर्निंग पर शेयर का मकसद ही है कि नेट प्रॉफिट, यही प्रॉफिट है ना आपके पास अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं तो कितना $0.27 अवेलेबल है ऑर्डिनरी। अब इसमें से कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितना रोकते हैं ये अब आपका मैनेजमेंट का डिसीजन है कि फ्यूचर को देखते हुए, लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना है जो हम निकाल कर आए थे $0.27 अवेलेबल है अर्निंग पर शेयर जो है वो, बेसिकली इसको दूसरा नाम आप ये कह सकते हैं और अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर को भी ऊपर रख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। ऑर्डिनरी डिविडेंड आपने कितना पे किया है, देखिए यहां आपको पता है यहां आपने पे करा है $0.12, ये पे कर दिया था आपने, प्रपोज की बात नहीं कर रहे हैं पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट $0.12 आपने करा है, तो 0.12 अगर मैं नीचे लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा डिविडेंड कवर कितना है, तो 0.27 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.12 से, आई गेट 2.25। इसका मतलब है 0.12 मैं पे कर रहा हूं, अब इसका इसका अगर मैं और भी पे करना चाहूं तो 2.25 अवेलेबल है कंपनी के पास, ये कुशन है कवर है जिसको कंपनी अपने पास रखती है। कंपनी के पास $0.27 अवेलेबल थे शेयर ऑर्डिनरी डिविडेंड पे करने के लिए, लेकिन कंपनी ने सिर्फ $0.12 पे किया, तो 0.12 का मकसद हुआ 0.12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.27 से, इसका मकसद है कोई 45% जो है कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, बाकी 55% उसने अपने पास रोक के, तो 0.12 को 0.27 तक पहुंचने के लिए 2.25 अवेलेबल है कंपनी के पास ये डिविडेंड कवर के नाम पर, कि ये कवर मौजूद है उस कवर में से $0.2 कंपनी ने पे कर दिया बाकी कंपनी के पास मौजूद है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशो के ये भी शेयर होल्डर्स देते हैं कि यार नॉर्मली इस कंपनी का ट्रेंड कितना है, कवर कितना होता है इसके पास और कितना ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेशो विच टेल्स यू कि इस कंपनी का ट्रेंड क्या है। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा रोकती है पैसे अपने पास, डिविडेंड दे ही नहीं रही है, अगर डिविडेंड नहीं दे रही है
और आपने इन्वेस्टमेंट ही इसलिए की है कि आपको डिविडेंड मिले, तो फिर देन यू शुड बी केयरफुल कि फिर आप यहाँ इन्वेस्ट ना करें, किसी ऐसी कंपनी में करें जिनका डिविडेंड कवर कम हो और वो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रहे हो। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगेन फिर आपको एब्सोल्यूट नहीं है ये, वैसे मैंने कहा बेंच मार्क की इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन रेशो आपने समझ ली। उसके बाद अगला आते हैं, अगले में क्या कहता है आपसे, कहता है डिविडेंड ईल्ड बताएं कि एक्चुअली डिविडेंड ईल्ड क्या है, कितना आप कमा रहे हैं। तो डिविडेंड यील्ड के लिए कहता है ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, कि ऑर्डिनरी बल्कि सॉरी डिविडेंड यील्ड ये है डिविडेंड पेड एंड प्रोपोज। अब ये डिविडेंड पेड एंड प्रोपोज का मकसद है 0.12 डॉलर तो आपने पे कर दिया और इसके अंदर प्लस कर देंगे। देखिए प्रोपोज का लफ्ज भी इसने लिखा है, एंड प्रोपोज, प्रोपोज कितना है ये आप सवाल के अंदर देख रहे होंगे कि प्रोपोज इसने 0.08 डॉलर प्रोपोज किया है कंपनी ने, जो अभी अप्रूवल होने के बाद नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डिनरी अगर प्रपोज कर देती है ना कंपनी तो नॉर्मली फिर वो मिल भी जाता है। तो इसका मकसद है ओवरऑल कितना मिला हम ये देखना चाह रहे हैं। तो 0.08 इसके अंदर प्लस कर दें, 0.08 हमने प्लस कर दिया और इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करने के लिए कहता है ऑर्डिनरी डिविडेंड बल्कि सॉरी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस आपको पता है 3.2 है जो हम कर कर आ रहे हैं। तो 0.12 प्लस 0.08 या आप या 0.2, इसको 3.2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड 7% आपका परसेंटेज में लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7% जो रिटर्न है वो कंपनी यहाँ पर कमाती है। और अगर 7% ना लिखें पॉइंट में लिखें तो 0.07 आपका पास आ जाएगा और 0.07 डॉलर पर शेयर जो है डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की, कि अगर आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो दिस इज व्हाट यू गेट, ये एक्चुअली आपको मिल रहा है। देखिए 0.12 तो आपको साल के बीच में मिल गए हैं, 0.08 डॉलर भी आपको मिलेंगे, प्रोपोज हो गए हैं वो नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे, तो इस साल टोटल आपका एक्चुअली जो मिला वो इन दोनों को जमा करके 0.2 डॉलर पर शेयर के हिसाब से मिला। 3.2 का आपने ये शेयर खरीदा था तो जो खरीदा था उस पर आपको 0.2 डॉलर मिल रहे हैं, तो कितना हो गया 7% का रिटर्न है आपका एक्चुअली इस इन्वेस्टमेंट पर, रियल रिटर्न जो आपको मिल रहा है। तो ये आपने देखा कि हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया और यहाँ आप आ जाते हैं, यहाँ देखें ये 0.27 उसने आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हमने भी 0.27 निकाला था। बी का जो है 11.85 मैंने आपको बताया था कि 11.85 मल्टीपल जो है वो होंगे, और फोर ए का जो है ये 2.25 टाइम्स आपको दे रहा है, 2.25 टाइम्स मैंने निकाला था आपको, जो हम कैलकुलेट करके आ रहे थे 2.25 टाइम्स, ये देखिए हमने निकाला था यहाँ पे डिविडेंड कवर की बात जो थी 2.25 टाइम्स आ गया था। और फोर्थ जो है वो इसने थोड़ा सा मिस्टेक करी है देखें, क्योंकि इसने 3.75 डॉलर निकाल रहा है जो एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि कैम्ब्रिज की अपनी वेबसाइट की अपने जो अपना जो सिलेबस है उसमें आप देख रहे होंगे कि फार्मूला ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट अवेलेबल, बल्कि ये आपका ये वाला आ गया डिविडेंड पेड एंड प्रोपोज, देख रहे हैं डिविडेंड पेड एंड प्रोपोज है, तो इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो आई थिंक कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये डिविडेंड इन्होंने पेड तो लिख दिया लेकिन ये प्रोपोज लिखना भूल गए, तो आई थिंक मिस्टेक है ये। तो आप ये वाला ले लीजिएगा 3.2 जो मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड पेड एंड प्रोपोज, इसको प्लस करके फिर 3.2 से डिवाइड करें तो 7% का रिटर्न आपके पास आ जाएगा। ये आपने रेशोज देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे भी विजिट करते रहें, जाकर देखें कि क्या हो रहा है इसमें, ये रेशोज वगैरह आपको याद भी हो जाएंगी और आप आराम से कर सकेंगे। नंबर टू में आते हैं कि द डायरेक्टर्स ऑफ JPLC हैव टू मेंटेन ए हायर डिविडेंड कवर इन द कमिंग 3 ईयर्स, के हायर डिविडेंड कवर वो रखना चाहते हैं। हायर डिविडेंड कवर का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है, जितना ये कवर ज्यादा होगा इसका मकसद है डिविडेंड की पेमेंट इतनी ही कम आप कर रहे हैं। तो यू हैव प्रोजेक्ट्स, कंपनी के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी रखती है, उसके पास उसमें उसको फंड चाहिए, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि कवर बढ़ा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं डिविडेंड के। एक्सप्लेन व्हाई द डायरेक्टर्स विश टू मेंटेन हायर डिविडेंड कवर, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टर्स, तो इसकी लॉजिक मैंने आपको बताई कि आपके अपने प्लान हैं, फ्यूचर्स हैं, आप हो सकता है इस कंपनी को सेल करना चाह रहे हैं, तो जब सेल करना चाहेंगे तो जो फंड्स अगर आपके पास पड़े होते हैं अच्छे खासे तो वो भी अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर को, कि यार इसका मकसद है कि कंपनी कैश इनरिच कंपनी है, कि उसके पास कैश पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी लाइबिलिटी की आप पेमेंट कर देते हैं तो इक्विटी आपकी बेहतर हो जाती है, जब इक्विटी आपकी बेहतर होगी तो गियरिंग रेशो फिर आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज़ की आप पेमेंट कर देंगे, अगर आप डिविडेंड में पेमेंट कर देते हैं तो आपके पास फंड बचेगा ही नहीं कुछ करने के लिए। तो नॉर्मली डिविडेंड कवर को हायर रखने की रीजन्स यही इस किस्म की रीजन्स होती हैं।
स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. जो मैंने आपको बताया कि डिविडेंड कम मिलेगा. वॉन्ट टू मेंटेन हायर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग फंड्स इनको रखने होते हैं, तो हायर रिटेन अर्निंग्स इनको रखनी है. देयर मे बी कैपिटल कमिटमेंट्स इन द फ्यूचर. जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर्स में प्रोजेक्ट्स आपके बहुत सारे खुले हुए हैं जहाँ के लिए आपको फंड चाहिए. फंड आएगा कहाँ से? जो कमाएंगे वहीं से फिर आप रोकेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड में आप कम कर रहे हैं, रोक ज़्यादा रहे हैं, कवर आपका ज़्यादा है. मे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को हो सकता है सेल करना चाह रहे हैं. जो मैंने कहा ये लाइबिलिटी पे कर देंगे. फंड आपने रोका है, देखिए ये डिविडेंड वगैरह जो आपके पास पड़ा हुआ है, डिबेंचर, ये फिर आप पेमेंट कर देंगे क्योंकि अगले 3 सालों में ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. तो फिर इक्विटी इक्विटी आपकी रह जाएगी. तो ये भी एक रीजन्स हो सकती है. हम आगे आते हैं. आगे कहता है एक्सप्लेन वाई. तो एक्सप्लेन वाई भी हमने पढ़ लिया. आई थिंक ये हो गया है. फोर बी आपका हो गया. और अब आगे आते हैं. कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2019 जेपीएलसी वाज सूड बाय कस्टमर. एक सू उस पे कराया कस्टमर ने फॉर द ब्रीच ऑफ ए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी ब्रीचिंग हुई है. क्या आपने कोई ब्रीच किया, उसकी कोई क्लॉज थी वो वायलेट करी. हो सकता है टाइमली डिलीवरी आप नहीं दे पा रहे हैं. हो सकता है क्वांटिटी आपको जो कमिटमेंट थी कि इतनी क्वांटिटी आप उस कस्टमर को देंगे वो आप नहीं दे पा रहे हो. तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्रीच. क्वांटिटी का ब्रीच हो सकता है, टाइमली डिलीवरी आपने नहीं दी, क्वालिटी हो सकता है आपने एग्रीड की भी हो आप उस क्वालिटी की चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं. तो ये ब्रीच आपने किया द केस विल बी हार्ड इन कोर्ट इन मे 2020. नेक्स्ट ईयर मे के अंदर कोर्ट में ये केस जो है वो सुना जाएगा. The lawyer of JPLC advised the director that it is highly probable that the company will be found liable. कि liable ये है, मतलब probable ये है कि भाई कंपनी liable हो जाएगी इसके अंदर. एंड द कंपनसेशन इज लाइकली टू बी $20,000. और इसका कंपनसेशन जो उसे पे करना पड़ेगा कंपनी को, उस कस्टमर को, वो $20,000 का होगा. नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड टू रिकॉर्ड दिस. कोई अकाउंटिंग एंट्री इसकी ट्रांजेक्शन ये जो हो रहा है इवेंट इसकी नहीं करी आपने. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, लाइबिलिटी, प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटी. और बी डी कहता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड कंपनसेशन ऑफ $20,000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मेकिंग रेफरेंस टू द रिलेवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आई ए एस का रेफरेंस देते हुए, आई ए एस 37 बेसिकली डील करता है इससे. आई ए एस 37 को हम देखते हैं थोड़ा सा. आई एस 37 जो है वो प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड अकाउंटिंग एंड कंटिजेंट एसेट्स ये शो कर रहा होता है. और इसके अंदर अगर हम देखें उठा के, तो ये आई ए प्लस करके अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक वेबसाइट है. इसमें जाकर देखेंगे तो कंसाइज दिए हुए हैं, कंसाइज फॉर्म में दिए हुए हैं, आपकी समझ में आएगा. समरी ये कहती है द ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एस 37 इज टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट रिकग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट बेसिस आर अप्लाइड टू प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स एंड दैट सफिशियंट इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इनेबल यूजर्स टू अंडरस्टैंड देयर नेचर. ये बेसिकली आपको डील करती है कि आई एस 37 आपका बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का वो है. ये प्रोविजंस आपको बताती है कि प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज करना है आपको, कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कंटिजेंट एसेट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको ये आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है. तो लेट्स सी प्रोविजन को हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई प्रोविजन की डेफिनेशन क्या. लाइबिलिटी तो आपको प्रोविजन ये कहता है अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट. की एक लाइबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट. ये जैसे हमारा वाला केस है, कस्टमर ने सू किया है. मैं 2020 को जो है ये केस जो है वो अदालत सुनेगी. पता नहीं कितना लंबा कोर्ट के अंदर चलता है, फिर फैसला आने में कितना टाइम लगता है. तो इसकी जो टाइमिंग है वो अनसर्टेन है. यू नेवर नो. 20,000 तो लॉयर बता रहा है, हो सकता है कम और ज़्यादा भी हो सकता है. तो प्रोविजन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट. लाइबिलिटी किसे कहते हैं? लाइबिलिटी तो श्योर होता है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स. के पास्ट में कोई इवेंट्स हुआ है उसकी ऑब्लिगेशन हो गई. लाइक माल आपने क्रेडिट खरीदा, जब आप माल क्रेडिट खरीदते हैं तो एक लाइबिलिटी. अब ये लाइबिलिटी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप करते हैं कि परचेजेस को डेबिट कर देते हैं, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करते हैं. अगर बैंक से आपने लोन लिया है तो पास्ट इवेंट्स था, लोन आपके पास बैंक में एक पैसा आ गया, बैंक डेबिट और बैंक लोन आप क्रेडिट करते हैं. तो ये लाइबिलिटी की एग्जाम्पल है. सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. और इसकी सेटलमेंट नॉर्मली आप रिसोर्सेज पेमेंट की सूरत में करते हैं. तो लाइबिलिटी तो क्लियर है आपको, इसमें तो कोई इशू नहीं है. ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं अब तक. आप लाइबिलिटी प्रोविजन भी आप कर रहे होते हैं. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसकी एक्सेलेंट एग्जाम्पल है. अगर मैं प्रोविजन आपको समझाऊं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में आपने देखा कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कुछ कस्टमर्स आपको पैसा नहीं देंगे. तो ईयर बाय
ईयर बाय ईयर आप क्या करते हैं कि उनका प्रोविजन जो है वो अकाउंट्स के अंदर डाल रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं, ये कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो ये इसकी एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स आकर, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन वेदर सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स आकर के, अगर कोई फ्यूचर में कोई इवेंट हो जाता है तो फिर ये लाइबिलिटी खड़ी होगी आप पर आकर। अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट पेमेंट इज नॉट प्रोबेबल, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन पेमेंट का आपको पता नहीं है, तो अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, अमाउंट जो है आप मेजर नहीं कर सकते हैं। अब ये देखें कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं डिफरेंट, लाइक कंपनी है उसके ऊपर जो है वहाँ रहने वाले जो लोग हैं आसपास के, उन्हें इन्होंने इन्वायरमेंटल, उन्होंने कहा यार यहाँ से इमिशन बहुत होता है, तो उन्होंने कंपनी पर सू कर दिया कि इस इमिशन की वजह से जो आप कार्बन वगैरह आपका आता है, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि कोर्ट जाएगी, कोर्ट फिर उसको कैसे वो प्रूफ करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है। जो कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है उसको नॉर्मली हम रिकॉर्ड नहीं करते, डिस्क्लोजर के अंदर शो कर रहे होते हैं। आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वहाँ लीगल केसेस की एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी जो मुख्तलिफ लोगों ने करे हैं या कंपनी ने किसी के ऊपर करे हैं। कंपनी ने करे हैं तो इसका उलट कर लें, वो कंटिजेंट एसेट हो जाएगा कि आपका एसेट है कि आप समझते हैं कि ये आपको मिलेगा, लेकिन अभी कोर्ट में जब वो केस होगा तो पता चलेगा। अ पॉसिबल एसेट्स दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। और ये ना कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी के अख्तियार में नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली ये आप यूँ समझें कि कोर्ट रिलेटेड केसेस होते हैं, कुछ लोग आप पर केसेस कर देते हैं, कुछ पर आप केसेस कर रहे होते हैं, तो ये कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लाइबिलिटी है जिसको डिस्क्लोजर के अंदर हम शो कर रहे होते हैं। रिकग्निशन कब करेंगे या फिर प्रोविजन, प्रोविजन का रिकग्निशन कब होगा? एन एंट्री एन एंटिटी मस्ट रिकग्नाइज अ प्रोविजन इफ ओनली इफ, ये अब आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल और कंस्ट्रक्टिव एज अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट द ऑब्लिगेटिंग इवेंट, पेमेंट इज प्रोबेबल मोर लाइकली दैट नॉट एंड अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो इसका मकसद क्या हुआ कि प्रोविजन वो चीज़ है जिसका जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो पास्ट इवेंट, हम अपने केस में अगर देखें तो एक पास्ट इवेंट था कि कस्टमर को हम माल बेच रहे थे लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हमने करी, कस्टमर ये कहता है, अभी कंपनी का मौकफ तो हमें नहीं पता लेकिन कस्टमर ने सू कर दिया है, और लॉयर हमारा ये कहता है कि भाई ये एस्टिमेटेड है और कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और अमाउंट भी उसने एस्टिमेट करके दे दी है जो $20,000 बनती है। तो ये प्रोविजन के ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठता है कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट की वजह से हुई है, पेमेंट इज प्रोबेबल, पेमेंट भी प्रोबेबल है, लॉयर खुद कह रहा है कि पेमेंट इसकी प्रोबेबल है, द अमाउंट कैन बी, और फिर अमाउंट भी उसने 20,000 निकाल कर बता दिया है, तो इसका मकसद है फिर ये प्रोविजन बनता है, क्योंकि कंटिजेंट लाइबिलिटी के अंदर तो अमाउंट का पता ही नहीं चल सकता, वो फ्यूचर में कुछ होगा तो पता चलेगा, लाइबिलिटी तो सर्टेन होती है या सर्टेन नहीं है। तो ये प्रोविजन की एक्चुअली एग्जाम्पल्स हैं, आप इस IAS को पूरा पढ़ भी लीजिएगा और इसको फिर हम और भी पढ़ते रहेंगे, अभी सवाल की हद तक हम रहते हैं। सवाल में आपको मैंने बताया है कि ये प्रोविजन है और इसको देख लेते हैं। देखिए इसने वही डेफिनेशन दी है, ये तीन की डेफिनेशन, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं वही डेफिनेशन। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स एंड अमाउंट टू कवर ए प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स, के प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स के अंदर जो है उसको कवर करेगा, अमाउंट भी अनसर्टेन है और टाइमिंग भी, लेकिन हम रिकग्निशन क्राइटेरिया इसने नहीं दिया हुआ था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया जाके, तो रिकग्निशन क्राइटेरिया आपकी समझ आ गया, ये मैंने जो आपको पढ़ाया है भाई इसको देख लेना यार सुकून के साथ, ये रिकग्निशन क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ये है, अराइजन हुई है, पेमेंट इज प्रोबेबल एंड द अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, इसी की बेसिस पे हम इसको प्रोविजन ट्रीट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। करंट लाइब कंटिजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। 4D कहता है अकॉर्डिंग टू IAS 37 इट इज अ लाइबिलिटी बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी, ये लाइबिलिटी के बजाय ये प्रोविजन है असल में। अकॉर्डिंग टू IAS 37 इट इज अ प्रोविजन बिकॉज इट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बींग सूड अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स एंड द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज प्रोबेबल मोर देन 50% दैट देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज JPLC शुड मेक ए, ये बात सही है, JPLC शुड मेक ए प्रोविजन। आप वहाँ IAS को भी कोट कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ कि एज पर IA
IAS 37 जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है, प्रोविजन का रिकग्निशन क्राइटेरिया है, वो ये कहता है, ये तीन चीजें आप लिख सकते हैं, ये इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया है, और ये जो सू उसने किया है वो इस रिकग्निशन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा होता है। जैसे ये आगे बता रहा है आपको, जेपीएलसी शुड मेक ए प्रोविजन, आप देख रहे हैं लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन क्रिएट, प्रोविजन भी सम सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी होती है, इसलिए ये जो बातें कर रहा है इसने लिखा है, ये भी मॉरल लेस सही है कि एक लाइबिलिटी, प्रोविजन भी आपकी लाइबिलिटी है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में लेके जाएंगे तो उसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, तो इट इज अ लाइबिलिटी। जेपीएलसी शुड मेक ए प्रोविजन ऑफ $20,000 रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ $20,000, इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और फिर करंट लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपने देखा कि ये चार चीजें उसने पूछी थी, आपने तीन चीजें और एक्सप्लेन करना था वो हमने कर दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है जेपीएलसी नीड्स एडिशनल फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, के उसको जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं कि इनके मसले हैं, इसीलिए डिविडेंड कवर भी ये लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, और फ्यूचर इनके एक्सपेंशन है असल में। अब ये बात आई कि देखें एक्सपेंशन का मकसद है कि इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं इनके पास, राइट इशूज कर दें ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। राइट इशूज नॉर्मली जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप ये शेयर इशू कर रहे होते हैं और मार्केट से कम प्राइस के ऊपर इशू करते हैं इसको, फर्दर इशू ऑफ 6% डेबेंचर या फिर लाइबिलिटी की तरफ चले जाएं और 6% डेवेंचर। एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑफ द टू ऑप्शन दे शुड चूज, कि वो चूज कौन सा ऑप्शन करेंगे। नॉर्मली अगर कंपनी कर सकती है तो राइट इशू का ऑप्शन जो है वो बेहतर होता है, इसमें ये कि आपकी गियरिंग भी सही रहती है, आपकी आपका फिक्स इंटरेस्ट की भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, शेयर होल्डिंग्स कोई कोई आपका ऑब्लिगेशन भी खड़ी नहीं होती क्योंकि रीपेमेंट ही नहीं करना है आपको, राइट इशूज हो गया। लेकिन डिपेंड करता है ये सब्सक्राइब करते भी हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या नहीं करते, हो सकता है जब आप मार्केट से अलग कम पे देंगे उसको चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये सब्सक्राइब हो जाए, लेकिन मार्केट कंडीशन को देखते हुए हो सकता है समटाइम्स कम लोगों के पास और अच्छा ऑप्शन होता है तो इसको सब्सक्राइब ही ना करें। और अपेरेंटली तो इन दोनों में से अगर मैं देखूँ तो राइट इशू का होता है, और बाकी इन्होंने प्लस माइनस लिखे हुए हैं, शेयर कैपिटल इज अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल, राइट इशू, राइट इशूज इज ओनली लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जैसे मैंने कहा कि नए लोगों को नहीं, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप इशू कर रहे होते हैं। कंट्रोल ऑफ द कंपनी मेंटेन, कंपनी का कंट्रोल जो है वो मेंटेन रहता है। डिविडेंड पेमेंट्स आर डिस्क्रिशनरी शुड प्रॉफिट फॉल, अगर प्रॉफिट गिर रहा है तो आप जरूरी नहीं है कि आप डिविडेंड दें, आप रोक दें, आप नेक्स्ट ईयर में दे दें ले जाके। तो ये जैसे डिविडेंड कवर हम देख के आ रहे हैं ये रोक रहे हैं इसको। डिबेंचर है फंड्स में भी जनरेटेड मोर क्विकली, जो बाद में आपसे कह रहा था कि फौरी तौर पे पैसा आपको मिल जाएगा। कैन अराइज द फुल अमाउंट ऑफ फंड्स विद ग्रेटर सर्टेनिटी, कि आपकी सर्टेनिटी बहुत है, सारे अमाउंट वहाँ सब्सक्राइब हो सकता है, लोग करें नहीं करें तो देयर इज अनसर्टेनिटी। और नो वोटिंग राइट्स, या वोटिंग राइट्स नहीं है वहाँ पर, जो लोग ये जिनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो उनके वोटिंग राइट्स भी हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो डोमिनेट करना शुरू कर दें कंपनी को क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा आ जाएंगे, ये भी एक होता है। इंटरेस्ट मस्ट बी पेड, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गेयरिंग रेशो विल इंक्रीज, गेयरिंग रेशो क्या होती है कि ये लाइबिलिटी और इक्विटी के दरमियान रेशो होती है, तो ये बढ़ जाएगी क्योंकि लाइबिलिटी आपकी खड़ी हो जाएगी। लोन विल हैव टू बी रिपेड, लोन भी आपको रीपे करना पड़ेगा। तो ये कंपनी देख ले कि इन तमाम चीजों को प्रोज एंड कॉन्स देख के आखिरी सेंटेंस लिख दिया, अगर द कंपनी शुड आई मीन टू से रिविजिट द प्रोज एंड कॉन्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली जो उसके कंपनी के लिए बेहतर हो। तो ये आपके पास आ गया, आपने सवाल करा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आई थिंक खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो होप आपकी समझ में आया होगा, ये बड़े लेंथी किस्म के सवाल हैं थोड़े से, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आराम से इनको कर लेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।